जस्टिले एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ टिबेटन संगा भले। तो वैसे टिबेटन न्यू ईयर आने वाला है, तो आज मैं आप सबके लिए ये रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है आपको ना ये न्यू ईयर टाइम में ही खाओ, ना ये कभी भी खा सकते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत सिंपल है और बनाने में भी बहुत ईजी है। वैसे तो इसके रेसिपी मैंने पहले भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस बार मैंने थोड़े ईजी वे में सिखाऊँ सोचा आप सबको ना। तो वैसे टिबेटन न्यू ईयर भी आने वाला है, तो वैसे ये न्यू ईयर टाइम में हम लोग ज़्यादातर बना के खाते हैं। और छंगमा लोला धीरिंग निंदुंग दिन नालेंगे खेरा चलो यो संगा बाले खंडे सोको में यो वो दिन निंदुंग दी तेई तो चितंग धी का निंदुंग दी खेरा चो निमा भी सो छो दी ते धी रे यंग धंधा दी गे खेरा चो तीस ले लो जिन्हें लब हो समझ यो सर गजी यो रेसिपी मांग छे दो तो सो छो ओन दी का जी लिंक गांजा ये डिस्क्रिप्शन नो शा गो यो खेरा चो ओन दी तागा चुने धी रे को मजुए गे लेंगे खेरा चो रो यो सर जी गजी यो धन पे सावा चिग ले शा ने ओन दी जी मोटू चो रो थी पे दी थी मैं शिमरो शुरू कर मैं शिम्बू दो दादी पे दियो ठीक मैं शिम्बू पे दी पार नहीं देंगे ला नहीं। तो ये टिबेटन आप धूप बोल सकते हैं इसको ना, हम पे बोलते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता है, वैसे आप लोग भी धूप ही बोलते हैं आई गेस एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये अभी टिबेटन का ये थोड़ा नया आया है ये वाला ना स्मेल अच्छा होता है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं कभी भी सुबह शाम दिन को अब एनी टाइम यू कैन यूज़ ऐसे। कोई लोग क्या कहते हैं ऐसे स्मेल के लिए भी ये यूज़ करता है, बट कोई लोग क्या होते हैं पूजा के लिए यूज़ करते हैं। वे हम मोस्टली हम पूजा में यूज़ करते हैं। और कभी कभी जैसे हमारा घर में स्मेल आता है ना, तो ये जलाएगा ना इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। ओके तो संग में लोला अन तंदा पे दी सावा रेशिया नहीं खेरा जो एम डी ले रही दू यो तंदा अन दी टीमा शिम्बू पे दू यो चिक तंग ने शाह समझ खेरा जो ले संगा वाले नियम दो यार टीमा शिम्बू शिम्बू जी तंग ना मैं ले टीमा उन्हें शिम्बू दू टीमा पे लाइट डू रेशियो स्ट्रॉन्ग सो मीन दू दया तंदा चिक लंगे का न वो दिस का देता स्टिल दी टीमा दे एंड दे दया यंग। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है वो देख लेते हैं ठीक है। वैसे इसमें इंग्रेडिएंट ज़्यादा तो है ही नहीं। तो पहले हम इसका ना पानी बनाते हैं। तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून चीनी डाला है और ये 1 कप दूध, पिंच ऑफ सॉल्ट और 1/2 कप पानी। तो ऐसे करके हमें ना थोड़ा से लुक वार्म बनाना है इसको ना, थोड़ा गर्म करते हैं तो चीनी भी मेल्ट हो जाएगा ना। हम कुछ थी चौचिक ओके गाइस। तो अभी हमारा दूध भी है ना गरम हो गया है और चीनी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें डाल के हम इसका दो बनाएगा। दो है ना आपको इसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं लिक्विड नहीं बनाए, थोड़ा सख्त ही बनाना है इसको ना। तो वैसे नॉर्मली है ना इसमें कोई लोग है ना पानी डालते हैं, इसमें दूध नहीं डालते। मैंने दूध इसलिए डाला क्योंकि इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है ना, इसलिए डाला है। तो आप नॉर्मल गर्म पानी भी डाल सकते हैं ना, चीनी वाला पानी बना के ना। तो 2-3 मिनट से ना इसको अच्छे से नीट करो। तो ऐसे कवर करके मैं इसको ना 15 मिनट रखूंगी इसको ना। ओके गाइस तो अभी 20 मिनट्स हो गया, वैसे मैंने 15 मिनट बोला था तो 20 मिनट्स हो गया। अब हम इसको बनाते हैं सिंपल है, हमने पतला सा रोटी बनाना है इसको ना, इसका ज़्यादा काम नहीं है। तो रोटी बनाने के लिए हम थोड़ा सा ना कॉर्न स्टार्च यूज़ करेंगे, इससे ना थोड़ा पतला जल्दी होते हैं और अच्छा से ये होते हैं।
Mr. Donald for his gun. It has a flight for now. बहुत ज़्यादा पतला आप जितना आपसे हो सके है ना इसको पतला ही बनाना है इसको ना ओके गाइस तो अभी हमने पतला देख सकते हैं आप मेरा हाथ फिंगर है ना नजर आ रहा है ना इतना पतला बनाने हमने देखो अंदर से ना हाथ दिखना चाहिए वैसे कितना थिन होना चाहिए तो अभी हमने ये मैंने बड़ा सा रोटी बना लिया अब थोड़ा हम इसको ना शेप भी काट देते हैं इसको ना ऐसे कर नेक्स्ट हम लगा दे बटर तो यहाँ बटर मैंने ना मेल्ट कर दिया ये बटर नहीं है वैसे घी है घी गाइस इसको हम अच्छा से लगाएगा ऐसे करके तो बटर और घी आप कोई से भी लगा सकते हैं इसमें ना तो इस बार मैंने घी लगाया है फिर से हम थोड़ा सा ना कॉर्न स्टार्च ऐसे डस्ट करेगा इसके ऊपर है ना एक दूसरे से ना चिपके है ना तो मैं यहाँ एंड में ना थोड़ा से पानी लगा रही हूँ क्योंकि ये चिपका चाहिए ना तो आप जब रोल करेंगे ना थोड़ा सा ना टाइटली ऐसे खींचना है इसको ना ओके द लास्ट एंड में आएगा तो अगेन वी गोइंग टू अप्लाई सम वाटर थोड़ा से पानी लगाओ पानी नहीं लगाया तो क्योंकि हमने कॉर्न स्टार्च लगाया और इसलिए नहीं चिपकाएगा ये ना अच्छा से जस्ट एंड में लगाने हमने एंड में तो ये अच्छा से चिपकाया चिपके है ओके सेकंड अभी हमने काटना है इसको 2 इंच आपको ना दो हाथ के ये रख सकते हैं आप ना तो सिंपल ही हमने ऐसे काट लिया तो अभी हमने पूरा काट दिया है अब इसको रखते हैं साइड में और इसको ना एक एक पीस लेके हम क्या करना है इसको जस्ट सिंपली प्रेस करो और हमने इसको ना ऐसे ही करके लाइटली हमने प्रेस करके इसको पतला बनाना है ओके गाइस तो अभी हमने सब डिज़ाइन को ना बना लिया अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है तो मैंने यहाँ साइड में ना तेल भी गरम करने के लिए रखा है तो तेल को गरम करना है लेकिन इतना भी गरम नहीं करना है धुआं निकलते तक इतना गरम नहीं करना है हमने जस्ट गरम हो गया तो इसको ना जस्ट लो फ्लेम में रख दो मीडियम लो फ्लेम में तो इसी ऊपर हमने कुक करना है इसको ना हाई फ्लेम में कभी कुक मत करना इससे क्या होता है जो ऊपर ऊपर का क्या बोलते हैं कलर चेंज हो जाएगा और जो अंदर से मेन क्रिस्पी चाहिए ना हमें वो नहीं मिलता है तो इसलिए ना अब पकाने टाइम में हमेशा लो फ्लेम में ही पकाना है इसको ना थोड़ा टाइम लगता है इसको ना 3 to 4 minutes लगेगा इसको पकाने में ही है ना थोड़ा पेशेंट चाहिए इसको पकाने के लिए बाकी तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है बस हमें ऐसे करके कंटिन्यूसली है ना इसको स्लाइटली है ना लाइट ब्राउन ना होते तक इसको हमने पकाना है इसको ना मीडियम लो फ्लेम में गाइस कीप इन माइंड
तो बीच बीच में हमने इसको पलटने भी रहना है, इसको पलट के तो इसको ना थोड़ा थोड़ा ऐसे चॉपस्टिक से ऐसे मारेगा ना, तो ये ऊपर से थोड़ा पफ हो जाते, जो खुल जाता ना वो आराम से। तो अभी हमारा स्लाइट लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसको निकालने टाइम हो गया। ये देखो अभी से इतना क्रिस्पी लग रहा है ये देखने में, ये देखो ना तेल के अंदर ही ऐसे ही चाहिए हमें। तो अब इसको ना निकालो, तेल को अच्छा से निकाल के साइड में रख दो, और कंटिन्यूसली हमने ऐसे दूसरा बगैर भी फ्राई करना है। तो सब फ्राई करने के बाद अब इसके ऊपर अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा शुगर पाउडर। तो आप चाहिए तो बाहर से भी ले सकते हैं, तो मैंने अपने घर में शुगर पर नॉर्मल शुगर को इसको ना जस्ट ग्राइंड किया है, तो उसी यही यूज़ कर रही हूँ मैं ना। तो इसमें ना 2-3 टेबल स्पून डाल गया ना, इसको जस्ट ऊपर से ऐसे डस्ट करो, ऐसे करके दोनों साइड में लगा दो। फिर इसके बाद हमारा संगा वाली रेडी है खाने के लिए। ओके, तो ये था आज का मेरा संगा वाली रेसिपी गाइस, एंड होपफुली यू गाइस इंजॉय द टुडे रेसिपी। और इसके कितना क्रिस्पी है आप खुद ही सुन लेना गाइस। Okay guys, so that's it for today's recipe, and hopefully you guys enjoy the recipe. And रेसिपी कैसे बनाए कमेंट में ज़रूर लिखना, और अपना फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई करना। ये आप है ना ज़रूरी नहीं आप है ना स्पेशल ओकेजन टाइम में ही खाओ ना, ये कभी भी खा सकते हैं। ये एज आप चाय के साथ खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, आप लोग मेहमान वगैरह आएगा ना उनको भी देने के लिए भी बहुत अच्छा है ये ना। बच्चों से लेके ये बड़ों तक खाने की चीज़ है ये ना, सबको पसंद आएगा, और ज़रूर ट्राई करना गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और अगर आपको न्यू ईयर की रेसिपी चाहिए तो गाइस मैंने पहले से भी डाला है पूरा लिस्ट है ना, तो वो भी चेक करना, मैं लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।